लड़ाई जो है वो हमारी सरकार से है, मनुवाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा है कि संविधान लागू हो, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया वो जो पॉलिसी है वो लागू हो। उसमें हमें, हम किसी व्यक्ति के, किसी के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। और जो वंचित तबके की महिलाएं हैं ओबीसी और एससी एसटी की, उनके लिए रिजर्वेशन लागू करके उनको संसद में लाना होगा, जैसे कि सरपंचों में हुआ। चाहे वो घूंघट में प्रधान वाली बात हो, लेकिन फिर भी महिलाएं बाहर आई और अवेयर हुई कि हम लोग जो है आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे। जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ है, इसमें महिलाओं की संख्या बड़ी कम दिखाई दे रही है। महिलाओं की संख्या तो हमेशा ही घरों के सिवा हर जगह ही कम होती है। क्या महिलाओं को कहीं अधिकार दिया गया? आज तक कहीं पंचायतें होती हैं, कहीं जनसभाएं होती हैं, या हमारी विधानसभाएं हैं, या हमारे संसद है, या हमारी जुडिशरी है, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस है, कहीं कहां पर हैं महिलाएं? क्या महिलाओं को रिजर्वेशन देके, क्या उनको प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाने की कोशिश करी है? ना हमारे समाज ने करी, ना हमारी गवर्नमेंट ने करी। इसलिए महिलाओं की तो भागीदारी हमेशा सिर्फ घरों तक होती है ज़्यादा। बल्कि जी, फिर भी जैसे महाकुंभ था, इसके अंदर महिलाओं की संख्या होनी चाहिए थी। आप लोग ऑर्गेनाइजर लोग हैं, आप लोग अतिथि हैं, तो आप लोगों को भी तो संख्या लानी चाहिए। देखो, मेरे को तो लास्ट टाइम पे बताया गया था, मैं ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हूँ। मेरे को इनवाइट किया था सर ने, और मैं तो हरियाणा में, राजस्थान में इलेक्शन चल रहे थे, तो उसमें मेरे को ऑब्जर्वर बना रखा था। मैं वहाँ बिजी थी, मैं तो कल ही दिल्ली आई हूँ। तो हालांकि मेरे को अगर मैं जिम्मेवारी देते तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करती, और आगे ऐसा कुछ होगा तो जैसे आज जिस तरह से बात हुई है, तो आगे हम सब मिलके सभी को जिम्मेवारी दी जाएगी कि सब लोग कम से कम 10 लोगों को अपने साथ लेके आए। तो इस तरह से एक सामूहिक प्रोग्राम है, वो उसी तरह से सफल होगा। अगर आप किसी एक के ऊपर डाल दोगे तो वो प्रोग्राम जो है वो कभी भी सफल नहीं होगा। सवाल एक और है कि आपकी लड़ाई मनुवाद से है या सरकार से है? लड़ाई जो है वो हमारी सरकार से है, मनुवाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा है कि संविधान लागू हो, जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया वो जो पॉलिसी है वो लागू हो। उसमें हमें, हम किसी व्यक्ति के, किसी के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। ठीक, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं घर में, घर के अलावा, तो महिलाओं की आबादी, महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो? क्या आप लोगों का एजेंडा रहेगा, किस तरह से आप महिलाओं आबादी को सुनिश्चित करेंगे? देखो, महिलाओं की आबादी दो तरीके से सुनिश्चित होगी। एक गवर्नमेंट प्रयास करे, दूसरा हमारा समाज प्रयास करे। समाज बना है मेरे से, आपसे, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आप उन सब लोगों को भी आगे लाओ। जब भी कोई समाज का कार्यक्रम हो, आप उनको बराबर की भागीदारी दो, तो वहाँ से आगे महिलाएं। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लागू भी कर दें और समाज उसको ना अपनाए तो सालों लग जाएंगे उसको सफल होने में। इसलिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, और जो वंचित तबके की महिलाएं हैं ओबीसी और एससी एसटी की, उनके लिए रिजर्वेशन लागू करके उनको संसद में लाना होगा, जैसे कि सरपंचों में हुआ। चाहे वो घूंघट में प्रधान वाली बात हो, लेकिन फिर भी महिलाएं बाहर आई और अवेयर हुई, तो उससे काफ़ी जो जागरूकता है वो आई है। आज यहाँ रामलीला मैदान से क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, वंचित समाज को? रामलीला ग्राउंड से यही मैं संदेश देना चाहूँगी, जो ओबीसी और एससी एसटी के जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, एक ये समय शायद दोबारा नहीं आएगा इस इलेक्शन के बाद। अगर इस इलेक्शन में आप जागरूक नहीं हुए और एकता आप में नहीं आई, तो उसके बाद शायद आपके पास मौका ना रहे कुछ चेंज करने का, और आप इस देश को, अपनी पीढ़ियों को एक गुलाम देश दे के जाएँ। इसलिए इस बार सब महिलाओं को, जैसे कि देश स्वतंत्र हुआ जब सबसे पहले महिलाएं भी आगे आई थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन जब हो जाता है ना, तो वो चीज़ भी सक्सेस हो जाती है। चाहे वो घर हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो कुछ भी, चाहे आप देख सकते हो जितने भी उदाहरण हैं, चाहे जयललिता का देख सकते हो, मायावती जी का देख सकते हो, राबड़ी देवी जी का देख सकते हो, या ममता बनर्जी का देख सकते हो, इंदिरा गांधी का देख सकते हो, कि जब जब महिलाओं ने कमान संभाली है, उन्होंने वो काम किए हैं शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इंदिरा गांधी का आप देखें तो उन्होंने उस टाइम जब हमारे देश में सुई बनाने की भी क्षमता नहीं थी, उस टाइम उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया था। आज झूठी सर्जिकल स्ट्राइक कर करके लोग जो है उसका वो लेना चाहते हैं। संकल्प लेके जा रहे हैं सब लोग कि हम लोग जो है आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे और देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे।